सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का जो अपराध होता है, जिसको हम रेप के नाम से जानते हैं, तो ये जो अपराध होता है ये बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम के अंदर आता है। इसको सोसाइटी के खिलाफ अपराध माना जाता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो एक विक्टिम पार्टी है और जो एक एक्यूज पार्टी है, ये दोनों अपना समझौता कर लेते हैं, अगर ये अपना सेटलमेंट कर लेते हैं, तो क्या जो विक्टिम पार्टी है वो कोर्ट के पास आएगी और बोल सकती है कि जज साहब हम दोनों ने आपस में अपना सेटलमेंट कर लिया है, क्या आप एक्यूज की कन्विक्शन जो आपने करी है, जब आपने रेप का चार्ज उसके ऊपर लगाया है, आपने उसे कन्विक्ट करा है, आपने उसे अपराधी ठहराया है, तो क्या जज साहब आप उसके अपराधी ठहराने के ऑर्डर को जो है सेट असाइड कर सकते हो, उसे माफ कर सकते हो, क्योंकि हम दोनों ने आपस में सेटलमेंट कर लिया है, जज साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो अपराध इसके ऊपर आपने लगाया है, आप लगाए हुए अपराध को सेट असाइड कर लीजिए, क्या आपके मुताबिक कोर्ट ऐसा कर सकता है? और अगर प्रैक्टिकली कर सकता है तो किस बिहाफ पे आप ये बात कह रहे हो कि कर सकता है? दूसरी बात, आपके दिमाग में क्या बात चल रही होगी इस क्वेश्चन को सुनने के बाद, आप मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा वैल्यू बढ़ती है एक अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने के लिए। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन को सुनने के बाद। लेकिन मैं आपको पूरा कानूनी रूप से एक एक जवाब इसका बताऊंगा, आप वीडियो को पूरी शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है यूश, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप जुडिशरी की क्लासेस लेना चाहते हो तो आप मेरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जुडिशरी की क्लासेस ले सकते हो, मेरा कोड यूज करके SLG10 का। मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ जुडिशरी के, करंटली अभी मैं रात की क्लास में 9 से 10 CRPC की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे अकेडमी पे प्लस कोर्सेज लेने चाहिए, तो आप प्लस कोर्सेज भी ले सकते हो। इसका फायदा ये होगा आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एजुकेटर्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड मिलेंगे, बहुत हाई एक्सपीरियंस वाले सारे एजुकेटर्स आपको प्रोवाइड सारी स्टडीज कराएंगे। एक बढ़िया बात यहाँ पर यह है कि आपको 90 डेज का पूरा मास्टर बैच मिल रहा है, जहां पे अगर आपका टारगेट एमपी जुडिशरी का है तो 90 डेज में आपकी पूरी तैयारी करा दी जाएगी। 3 महीने का ये बैच है, 5 जनवरी से ऑलरेडी चालू हो चुका है। आप मेरा कोड यूज करोगे SLG10 का तो आपको 10% का डिस्काउंट इस पर भी मिलेगा। और भी बहुत सारे एक्साइटिंग बैचेज हैं। आपको लगता है कि अगर मुझे 1 साल है मेरा एग्जाम देने में, तो आप 1 साल वाला प्लान ले सकते हो, 1.5 साल वाला प्लान ले सकते हो और 2 साल वाला प्लान ले सकते हो। हर प्लान पे आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा मेरा कोड यूज करने पे SLG10 का। और एक जुडिशरी का अपना आइकॉनिक बैच भी होता है, जिसमें सारे बेनिफिट्स आपको प्लस वाले मिलेंगे। फर्क, आपको सिर्फ लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे, एक्स्ट्रा 1-to-1 मेंटरशिप आपको एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी, और मेंस की फोकस टेस्ट सीरीज मिलेगी। यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज भी चलती है। अगर मैं बैचेस की प्राइस की बात करूं तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक का, 12 मंथ तक का, 18 मंथ तक का कोई भी आप प्लान लेते हो, तो आपको हर एक प्लान पे 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा अनअकैडमी को ज्वाइन करने के बाद। सबसे पहली बात यहां पे आती है कि रेप जो एक क्राइम है, यानी कि सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का जो एक क्राइम है वो अगेंस्ट द सोसाइटी है, मतलब सोसाइटी के खिलाफ ये क्राइम माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा अपराध है, बहुत हीनियस क्राइम है। पहली बात, अब इसके अंदर इसको जो है ना सेटल नहीं करा जा सकता पार्टीज के जरिए, कि आपस में पार्टी ने सेटल कर लिया, चलो भाई अब जो है आप सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का जो अपराध है ना उसको माफ कर दिया जाए, उसको कोर्ट के द्वारा सेटल कर दिया जाए। ऐसी जजमेंट, ऐसा रूलिंग, ऐसी डायरेक्शन जो है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से अभी रिसेंटली जारी करी हुई है। और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के अंदर ये मुद्दा आया क्यों, बहुत ही बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा, सभी लोगों को ये बात को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं, क्या बोला जाएगा कि रेप जो एक ऑफेंस है सोसाइटी के खिलाफ, यानी 376 ऑफ आईपीसी का जो अपराध है वो सोसाइटी के खिलाफ है, ये आपको मैंने सिंपली तौर पे बता दिया। और ये कुछ ऐसी नहीं है, इट इज नॉट समथिंग, ये कुछ ऐरी ऐरी चीज नहीं है कि चलो भाई दोनों आपस में पार्टीज कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, और जो कन्विक्शन है अपराधी को, जो कन्विक्शन कोर्ट के द्वारा दी गई है, चलो उसको माफ करो, उसे खत्म करो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा, बिल्कुल भी कोर्ट कोई भी नहीं ऐसा कोई भी कोर्ट नहीं कर सकता, ये बहुत बैड इन लॉ माना जाएगा, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ माना जाएगा, ऐसा कोर्ट ने बताया है। देयर कांट बी एनी सेटलमेंट कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, डिग्निटी ऑफ वुमेन जो है उसको, उसके लिए जो है हम आपस में सेटलमेंट कर ले, पार्टीज दोनों सेटलमेंट कर ले, डिग्निटी ऑफ वुमेन के लिए नहीं, ये हम बिल्कुल भी कानूनी रूप से इसको सही नहीं मानेंगे, बल्कि ऐसे रूलिंग को, ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू को हम बैड इन लॉ मानेंगे और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ मानेंगे, ऐसा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का कहना है। अब इसके अंदर मुद्दा क्या आया, एक जो विक्टिम था ना, विक्टिम जो है लड़की थी, तो विक्टिम ने ना एक एक्यूज के खिलाफ, एक लड़के के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा कि जसाम इन्होंने मेरे खिलाफ, मेरे ऊपर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का अपराध किया है। अब विक्टिम के अंदर इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन करी और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर था उसने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, तो पूरी बात
जज साहब के सामने पेश कर दी और जज साहब के सामने क्लियर हो गया बिल्कुल कि एक्यूज ने क्या करा है, अपराध किया है, सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी का अपराध किया है लड़की के खिलाफ, यानी कि विक्टिम के खिलाफ, जो विक्टिम ने केस दर्ज कराया। बाद में जब कन्विक्शन ऑर्डर आ गया तो बाद में फिर जो लड़की थी यानी कि जो विक्टिम था, उन्होंने जज साहब के आगे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लगाई, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईए एप्लीकेशन बोलते हैं, एप्लीकेशन लगाई एक्यूज के फेवर में, यानी सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी के फेवर में, जो अपराधी को जो है सजा सुनाई जा रही है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, क्या बोला कि जज साहब मैं विक्टिम हूं केस के अंदर, मैं आपके सामने इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन लगाकर आई हूं, मैं चाहती हूं कि जज साहब मैं ना एक्यूज के साथ प्यार में थी, आई वॉज इन लव विद द एक्यूज, मैं जो है एक्यूज के साथ प्यार में थी, लेकिन कुछ रीजन की वजह से ना मेरी शादी एक्यूज से नहीं हो रही थी, मेरी शादी एक्यूज से नहीं हो रही थी, और हमारे बीच में ना बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई थी। ठीक है, इसी वजह से मैं विक्टिम हूं इस केस के अंदर, तो मैंने ना एक्यूज के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करा दी थी पुलिस के अंदर, और कंप्लेंट मैंने दर्ज कराई जज साहब, और पीपी ने भी और पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन अच्छी खासी करी, और अपराधी और एक्यूज के खिलाफ कन्विक्शन का ऑर्डर भी आ गया। तो जज साहब मैं आपसे चाहती हूं कि जज साहब हम दोनों ने ना आपस में सेटलमेंट कर लिया है, हमारी जो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो चुकी है, तो जज साहब मैं आपसे चाहती हूं कि आप जो एक्यूज के खिलाफ ऑर्डर जारी किया है सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी में, आपने उसे एक्यूज माना है, तो जज साहब आप उसे सेट असाइड कर दो, आप उसे सेट असाइड कर दो। अब आप लोग इस क्वेश्चन का, ये जो पूरी आपको मैंने एक बताई है कहानी, इसको सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हाँ या ना, मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। एज अ जज के तौर पे आप जरा दिमाग लगा के सोचो, आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए तो उस टाइम पे आप क्या फैसला सुनाओगे, थोड़ा बहुत आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताओ, कानूनी रूप से क्या ये सही होगा, नेचुरल जस्टिस के तौर पर क्या ये सही होगा या गलत होगा, और बैड इन लॉ ये ठहराया जाएगा या गुड इन लॉ ये ठहराया जाएगा, आप लोगों को क्या आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और जो विक्टिम ने रिक्वेस्ट करा कि जज साहब सेट असाइड कर दो कन्विक्शन, जो आपने एक्यूज के खिलाफ कन्विक्शन करी है। अब इस केस के अंदर जो जज साहब थे, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जज साहब थे, उन्होंने केस लॉ रेफर करा, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदनलाल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो अगर रेप का ऑफेंस होता है ना, अगर आपने अटेम्प्ट भी करा है या आपने पूरा का पूरा ऑफेंस कमिट करा है, तो वो एक ऑफेंस है अगेंस्ट द बॉडी ऑफ अ वुमेन, जो वुमेन का टेम्पल होता है। ठीक है, तो ये एक ऐसा अपराध है जो वुमेन की बॉडी के खिलाफ होता है, और वुमेन की बॉडी उसके लिए एक टेम्पल के तौर पे ट्रीट करा जाता है। ये स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मदनलाल के केस में स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने बोली गई थी, तो इसीलिए ऐसे पर्टिकुलर ऑफेंसेस को बहुत ही ज्यादा हीनियस क्राइम माना जाता है, और ऐसे अपराधों में देयर कांट बी एनी सेटलमेंट और कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज एंड अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। ऐसा हम कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी जो है नहीं मानेंगे। हम सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी को भले अटेम्प्ट क्यों ना करा हो या पूरा का पूरा ऑफेंस क्यों ना करा हो, हम इसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे। सॉरी, ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के तौर पे ट्रीट नहीं होगा, इसको कॉम्प्रोमाइज आप नहीं बना सकते। एक बार कन्विक्शन का ऑर्डर जारी हो चुका है तो हो चुका है, उसकी कन्विक्शन बिल्कुल 100% होगी ही होगी, आप चाहे जो मर्जी कर लो। और जैसा आपने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक लाइन और बोली थी, नो सेट असाइड ऑफ द कन्विक्शन जस्ट बिकॉज द सेटलमेंट हैज बीन परफॉर्म्ड, द सेटलमेंट हैज बीन डन बिटवीन द पार्टीज विक्टिम एंड अक्यूज्ड। आई थिंक सो आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया था वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो के अंदर थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव बात लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, साथ में आपको मैंने जो बोला था कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना, तो जरूर बताना, उससे बहुत ज्यादा फायदा रहेगा आपके लिए भी, और जो वीडियो देख रहा होगा दूसरा कोई व्यक्ति वो आपके कमेंट बॉक्स को भी और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को भी जानकर, और जो आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तीनों को मिक्सअप करके उसका दिमाग बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे YouTube चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।